तो खास तौर से प्रधानमंत्री तो क्या क्या नहीं बोलते, वो तो शराब के बजाय शराब बोल देते हैं इस गठबंधन को। मेरठ के अंदर उन्होंने कहा था, आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे गठबंधन को शराब की संज्ञा दी है, तो लेकिन ये जो अपार जन समूह है, तो ये आज इतना नशे में ये चूर हो गया, शराब पीकर नहीं लेकिन बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें इतना गुस्सा चढ़ गया है कि अब आप लोग इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे धार्मिक भावनाओं को भड़काए आप लोगों की, चाहे वो जाति के आधार पर वो किस्म किस्म की वो नाटकबाजी करे, लेकिन अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। दो चरण के चुनाव हो चुके हैं, दो चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है, बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई है। और जब जो अब जो आगे के चरण बचे हैं उसमें तो इनकी हालत मुझे ऐसा लगता है अब बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि अब आप लोगों को विरोधी पार्टियों के किसी भी हथकंडे में, बहकावे में ना आकर जो हमारा ये गठबंधन है, तो इस गठबंधन को आप लोगों को कामयाब बनाना है। और इस गठबंधन के तहत आपकी ये जो मैनपुरी की लोकसभा की सीट है, जिस सीट से श्री मुलायम सिंह यादव जिस चुनाव लड़े हैं, ये इनकी पुरानी सीट है और इस क्षेत्र का इन्होंने बड़ा ख्याल रखा है, इसको विकसित किया है, आपके मैनपुरी का पूरा ध्यान रखा है और मैनपुरी से विशेष इनका लगाव रहा है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैनपुरी से जब इनका विशेष लगाव रहा है, तो उम्र के तकाजे को ध्यान में रखकर फिर भी इन्होंने आपके इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा और उन्होंने ये फैसला लिया कि जब तक मुझ में आखिरी सांस भी है तो मैं मैनपुरी की सेवा करता रहूँगा और आपके बीच में आपका एक सेवक बनके श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली सेवक नहीं, एक असली सेवक बनके, तो मैं आप